थन से दूध बहाने लग गईया, यमुना नदी तो लगे दूध की नदिया। 12 देसी गायों का लोट है और एक की कीमत 26,750 रुपए है, यानी कि सभी 12 की 12 के लोट का कीमत 3,21,000 रुपए रहेगा। और इस कीमत में भी बार्गेनिंग पॉसिबल है, यानी कि गायें आज के वीडियो में आपको सस्ती दिखा रहा हूँ, कीमत में कम है, अच्छी दूध क्षमता की है और एक साथ देखने को मिल रही है। आप इनमें से अपनी पसंद की गाय का सिलेक्शन अलग अलग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए सुंदर देसी गोवंश का लोट आपको दिखा रहा हूँ। एक एक की जानकारी आपको अलग अलग दे रहा हूँ, अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। यह पहले नंबर पर सेकेंड लैक्टेशन की गाय है, एक महीना इसे ब्याने में भी ड्यू है और 12 लीटर इस गाय की दूध क्षमता है। ऐसी 12 की 12 गायें, सभी को एक एक कर चलाकर आपको दिखाऊंगा, साथ ही इनकी डिटेल भी आपके साथ अलग अलग शेयर करूंगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। यह दूसरे नंबर पर सेकेंड लैक्टेशन की गाय है, बिना सींगों के अंदर है, सुंदर शारीरिक बनावट है, 20 दिन इसे ब्याने में शेष बचे हुए हैं और इस गाय ने पहले ब्यांत के अंदर 12 लीटर दूध दिया है। इस बार 14 लीटर के आसपास दूध क्षमता इस गाय से उम्मीद की जा रही है। ठंडा सील स्वभाव है और कदकाठी काफ़ी अच्छी है, 20 दिन इसे ब्याने में शेष बचे हुए हैं अभी। और ये तीसरे नंबर पर शानदार कदकाठी में थर्ड लैक्टेशन के अंदर है, लगभग 15 से 20 दिन अभी इस गाय को ब्याने में ड्यू है। अडर को देखकर आप अनुभव कर सकते हैं, 16 लीटर के आसपास की इस गाय से दूध क्षमता की अपेक्षा की जा रही है थर्ड लैक्टेशन में। अभी सेकंड लैक्टेशन में 14 लीटर से अधिक दूध दिया है, इस बार 15-16 लीटर दूध क्षमता इस ब्यांत के अंदर आसानी से बनाएगी, ऐसी इसकी अडर क्वालिटी है। ये चौथे नंबर पर गाय आप देख पा रहे हैं, सेकेंड लैक्टेशन में है, दूसरे ब्यांत में है और 20 दिन का इसके नीचे बछड़ा है, मेल काफ है इस गाय के साथ, बड़ा हम्प, सुंदर भारी झालर, काफ़ी शानदार कदकाठी है। 10 लीटर दूध अभी इस गाय का तैयार है, अच्छी परवरिश से ये गाय 11 से 12 लीटर तक दूध क्षमता भी हासिल कर सकती है। पांचवें नंबर पर सेकेंड लैक्टेशन की गाय दूसरे ब्यांत के अंदर है, ब्याने में लगभग अभी एक हफ्ते के आसपास ड्यू है, अच्छी कदकाठी तो है ही, अडर क्वालिटी भी बेहतरीन डेवलप हो रही है, 14 लीटर दूध क्षमता है इस गाय की, 12 लीटर पहले ब्यांत के अंदर दूध दिया है, इस बार 14 लीटर के आसपास दूध क्षमता अच्छी परवरिश से गाय बना सकती है। छठे नंबर पर सेकंड लैक्टेशन की गाय दूसरे ब्यांत के अंदर है, 7 दिन का इस गाय के साथ बछड़ा है, मेल काफ है और 12 लीटर के आसपास दूध तैयार है। इस गाय को भी आप मिल्किंग चेक कर ले सकते हैं, दूध अभी निकाला जा चुका है इसलिए आपको ऑर्डर देखने से छोटा लग रहा है। जो भी गैबिन गायें हैं आप उनकी प्रेगनेंसी भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये सातवें नंबर पर गाय थर्ड लैक्टेशन की है, तीसरे ब्यांत के अंदर है और 4 दिन की इसके नीचे फीमेल काफ है, बछड़ी है और 17 से 18 लीटर तक की इस गाय की दूध क्षमता है। आप इन दूध देने वाली दुधारू गायों की मिल्किंग अपने हाथ से कर देख सकते हैं, यहाँ विजिट कर 2 समय 3 समय का दूध अपने हाथ से निकाल कर देख सकते हैं। आठवें नंबर पर सेकेंड लैक्टेशन की गाय 6 दिन का इसके साथ बछड़ा है, मेल काफ है और 11 लीटर के आसपास दूध अभी इस गाय का तैयार है, 11-12 लीटर तक की इस गाय की दूध क्षमता की उम्मीद की जा रही है। इन सभी गायों को प्रेम कुमार जी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 6367871434। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है। ये 9वें नंबर पर बछड़ी आप देख रहे हैं, खीरी है, अदंत है, काफ़ी सुंदर कदकाठी है, साहिवाल नस्ल के अंदर है, भारी झालर और सुंदर नाभि, अच्छी कदकाठी की है। ऐसी बछड़ियाँ रेयर ही आपको देखने को मिलेंगी जो इस कीमत के अंदर मिल रही हैं, ऐसी बछड़ियाँ लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलेंगी। और ये अगली 10वें नंबर पर बछड़ी फर्स्ट लैक्टेशन में है, ये भी खीरी है, अदंत है, या तो ये गैबिन ठहर चुकी है या गैबिन होने के नज़दीक में है, यानी कि इसे प्रेग्नेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी अभी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं हुई है। आप जो भी गायें और बछड़ियाँ हैं
उनकी प्रेगनेंसी स्वयं या विजिट कर अपने डॉक्टर से टेस्ट करवा कर इन गायों और बछड़ियों को खरीदें। आपसे आशा करता हूँ कि जो गाभिन गायें हैं उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे और जो दूध देने वाली गायें हैं उनकी आप मिल्किंग जरूर से जांचेंगे। ये 11वें नंबर पर सेकंड लैक्टेशन में है। लगभग 25 से 30 दिन इसे ब्याने में शेष बचे हैं और 12 से 13 लीटर इस गाय की दूध क्षमता है। अच्छी दूध क्षमता के साथ कदकाठी और ब्रिड के करेक्टर्स काफ़ी शानदार है। देसी गोवंश है, प्योरिटी लिए हुए हैं। और ये 12वें नंबर पर 15 महीने की बछड़ी राठी नस्ल के अंदर है। ईफर अच्छी कदकाठी इसकी भी डेवलप हो रही है। इन सभी को यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो 3,21,000 रुपये कीमत डिमांड की गई है और जो कीमत है एक एक की लगभग एवरेज 26,750 रुपये रहती है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी स्पेशलाइज गाय या बछड़ी का सिलेक्शन चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रेम कुमार जी के नंबर मेंशन किए गए हैं। आप उन पर संपर्क करके अलग अलग कीमत भी इनकी जांच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और चार्जेस, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी जानकारी गाय खरीदते समय ही ज़रूर से ले लें। इनमें से आपको कौन सी गाय या बछड़ी पसंद आई हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को अपने गोपालक मित्रों, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर से करेंगे ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की मुहिम को बल मिले। धन्यवाद दोस्तों।